In the name of God, that we shall take part in the late Molvi Gulam Din Ashok Chakra Memorial Volleyball Championship 2022, respecting the rule and regulation which governs by them for the honor of our country and for the glory of sports. Jai Hind. Thank you. Hartley. अपना अमूल्य समय निकालकर खिलाड़ियों के हौसला अफजाई के लिए हम तशरीफ लाए हैं। याद रहे कि मौलवी गुलाम दीन मेमोरियल वॉलीबॉल तो मैं देख रहा हूं कि इंट्रोडक्शन करने के बाद इस टूर्नामेंट को डिक्लेयर ओपन किया जाए, उसके बाद चाय पान का प्रोग्राम रहेगा, उसके बाद जो पहला मैच है वो शुरू हो जाएगा। आप दोनों टीमें यहाँ फ्रंट पे लाइन अप रहे जिनका मैच है। कर्मियों का मैं 14 महा रेजिमेंट की ओर से पुंछ लिंकअप दिवस के अंतर्गत आयोजित इस लेट मौलवी गुलाम दीन अशोक चक्र मेमोरियल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं। पुंछ के गौरवशाली इतिहास में भारतीय सेना के बलिदान और त्याग की अहम भूमिका रही है। जब भी पुंछ के इतिहास की बात होगी तब भारतीय सैनिकों के बलिदान के साथ साथ पुंछ के अवाम का देश के लिए दिए गए बलिदान को निश्चित रूप से याद किया जाएगा। भारतीय सेना तथा हमारे पूर्वजों एवं पुंछ के अवाम के आपसी सद्भाव एवं एकजुटता को याद रखने और उन्हें सम्मान देने के लिए प्रत्येक वर्ष पुंछ लिंकअप डे का आयोजन किया जाता है। इसके साथ साथ अनेक खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। इस वर्ष भी कई खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शुभारम्भ किया जा रहा है। मौलवी गुलाम दीन अशोक चक्र मेमोरियल वॉलीबॉल चैंपियनशिप आयोजित कर रहे हैं। इस अवसर पर यहां पर आए सारे अधिकारीगण, स्टूडेंट्स, प्लेयर्स, मैं आप सबका कमांडर पुंछ ब्रिगेड की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मौलवी गुलाम दीन ढलान के रहने वाले थे। उन्होंने 1965 इंडिया पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय फौज के साथ मिलकर यहां पे जो घुसपैठी आ चुके थे उनको पुंछ की धरती से खदेड़ दिया। उनके इस साहस, सेल्फलेस सर्विस और करेजियस एक्ट के लिए उनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। मैं चाहता हूं कि आप आजकल के जो युवा हैं इनकी ब्रेवरी से, इनकी सेल्फलेस सर्विस से मोटिवेट हो और वैसा ही जोश स्पिरिट के साथ इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट में बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लें और अपने देश की प्रोग्रेस में हाथ बढ़ाएं। थैंक यू। जरा सा बताएंगे आज जो यहाँ पे मौलवी गुलाम दीन जी की याद में जो टूर्नामेंट करवाया जाए। देखिए, ये जैसे 93 बग्रेड की तरफ से मौलवी गुलाम दीन के नाम पे ये वॉलीबॉल का टूर्नामेंट शुरू करवाया गया और हम अपनी इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये काम किया और ये हम चाहते हैं कि हर साल ऐसे काम होने चाहिए और हमारे नौजवान जितने भी हैं और वो खुल के सामने आएंगे और हर वक्त आर्मी इंडियन आर्मी के साथ ताउन करेंगे। और जो ये मौलवी गुलाम दीन जी अशोक चक्र था और उन्होंने 65 की लड़ाई में काम किया और उसके पहले जब ये नायर का टाइम था तो डिस्ट्रिक्ट पुंछ में पानी की बहुत बड़ी किल्लत थी
और नहर में भी काम किया और उनको 2-3 गोलियां भी लगी और उन्हीं के नाम पे ये जो आज इतने सालों के बाद हमारी इंडियन आर्मी ने कराया है, इनका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। तो किस तरह का ये कर जाएगा और बहुत अच्छा मैसेज आएगा हमारा, क्योंकि उनकी याद कितने सालों के बाद आज 93 ब्रिगेड की तरफ से हुआ, तो ये नौजवानों में बहुत अच्छा मैसेज आएगा। तो उनको एक श्रद्धांजलि के रूप में ये प्रदर्शनी करवाई जा रही है। प्रोटीन वार की तरफ से वॉलीबॉल चैंपियनशिप को एक श्रद्धांजलि रहेगी लेट मौलवी गुलाम दीन जी को। इस टूर्नामेंट के हवाले से एक श्रद्धांजलि उनको रखी जा रही है। तो जितने भी गाँव से उनके तल्लुक रखते यहाँ पे आए हैं, उनका हम प्रोटीन वार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। शांति कहते हैं मीडिया पर्सन यहाँ पे आए हैं उनका भी हम वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं।